हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमारे पास प्योर बेंजीन दिया हुआ है एंड अलोंग विद दैट वी हैव मिथाइल बेंजीन। प्योर बेंजीन और मिथाइल बेंजीन दोनों इक्वी मोलर है, दैट मीन्स दोनों के मोल्स इक्वल इक्वल दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए बार बार बेंजीन लिखना सही नहीं रहेगा, तो वो बेंजीन को यहाँ पर ए मान लेते हैं और मिथाइल बेंजीन को बी मान लेते हैं। और दोनों के मोल्स इक्वल हैं, सो यू कैन टेक एनी नंबर ऑफ मोल्स। मैं यहाँ पे 1 मोल ले रहा हूँ, 1 मोल मैंने प्योर बेंजीन का ले लिया और 1 मोल मैंने मिथाइल बेंजीन का ले लिया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन 80 torr दिया हुआ है एंड वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल बेंजीन 24 torr दिया हुआ है। सो मोल्स अवेलेबल हैं, हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज 1/1+2। तो दोनों के ही मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने पे 0.5 मिलेंगे, क्योंकि इक्वी मोलर मिक्सचर है। सो इसके बाद पी ऑफ सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। पी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू PA+PB रॉड्स लॉ को यूज करके। PA इज P0 ऑफ ए इंटू एक्स ए एंड PB इज P0 ऑफ बी इंटू एक्स बी। तो P0 ऑफ ए हमारे पास हो गया 80 torr मल्टीप्लाइड विद 0.5 प्लस P0 ऑफ बी इज 24 torr मल्टीप्लाइड विद 0.5। अपॉन सॉल्विंग यहाँ मिल जाएगा हमें 40+12, दैट इज 52 torr। तो सोल्यूशन का प्रेशर हो गया 52 torr। क्वेश्चन इज आस्किंग टू फाइंड आउट व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज। सो वाई बी फाइंड करना है। Y B will be equal to P B upon P of solution. तो P B का एक्सप्रेशन क्या होगा? P B की वैल्यू हम लोगों ने ऑप्टेन कर रखी है। P B is 24 × 0.5, that is 12. तो यहाँ पे 12 पुट करेंगे और P of solution 52 torr, 12/52, या फिर इसको हम लोग 6/26 लिख सकते हैं। ये सॉल्व करने पे वैल्यू हमें मिलेगा 0.23 और आंसर जो एंटर करना है दैट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ समथिंग मल्टीप्लाइड विद 10^-2। तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं 23 × 10^-2। तो जो वैल्यू हम लोग एग्जाम में एंटर करते हैं यहाँ पे वो होगी 23। तो उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 23।